हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ राइडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया यूट्यूब पे। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। वेल, आज हम स्पाइस जेट लिमिटेड के बारे में चर्चा करेंगे। स्पाइस जेट एक ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर की जानी मानी कंपनी है। कंपनी का शेयर ओनली BSE पर ट्रेड करता है। मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ कंपनी की क्विकली इन जस्ट 2 सेंटेंसेस, क्योंकि हमें फ्यूचर से ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि यू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द कंपनी। तो हमारे शेयर का भी भविष्य कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी की स्थापना 1984 में हुई थी विद द नेम ऑफ जीनियस लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। बिजनेस इनका बढ़ता गया कंपनी का, एंड 2005 में आके कंपनी ने फाइनली अपनी जो पेरेंट अपनी जो पुरानी कंपनी है उसका नाम बदलकर स्पाइस जेट लिमिटेड रखा। आइए इनके फ्लीट्स के बारे में चर्चा करते हैं। कितने प्लेन हैं इनके पास, कंपनी के पास कितनी फ्लाइट्स हैं। स्मॉल सेगमेंट से स्टार्ट करता हूँ मैं। इनके पास बम्बार्डियर Q400 के 22 प्लेन्स हैं, जो कि 78 पैसेंजर्स की कैपेसिटी रखते हैं और 2000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। सेकेंड नंबर आता है बोइंग 737-700, कैपेसिटी है 149 पैसेंजर्स और 3 प्लेन हैं इनके पास और ये 6200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। नेक्स्ट बोइंग 737-800, 28 प्लेन्स है कंपनी के पास, 189 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है एंड 5600 किलोमीटर की दूरी ये प्लेन तय कर सकते हैं। लास्ट नॉट द लिस्ट, बोइंग 737-900, कंपनी के पास 4 प्लेन्स हैं, 4 प्लेन्स हैं एंड 212 लोग इसमें सवार हो सकते हैं और 5000 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकते हैं। तो टोटल फ्लीट्स कंपनी के पास 57 है, 57 प्लेन्स कंपनी ओन करती है। इनकी मैनेजमेंट की बात करें, यू नो द वन हु इज़ रनिंग द कंपनी, जो शो को चला रहे हैं, अजय सिंह जी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। शिवानी सिंह जी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और आर शशि प्रभु जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, अनुराग भार्गव जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं एंड हर्षवर्धन सिंह जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। ये 5 की मेंबर्स हैं कंपनी के हायर मैनेजमेंट के, जो कि कंपनी का शो रन कर रहे हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1D न्यू दिल्ली में है। आइए न्यूमेरिकल फिगर पर नज़र डालते हैं क्विकली। कंसोलिडेटेड मार्केट कैप कंपनी की जो है वो है 5515 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, एक 2-4 करोड़ ऊपर नीचे हो सकता है। यू नो पी रेशो 9.89, बुक वैल्यू -0.92, डिविडेंड रेशियो 0 है, कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू ₹10, डिलीवरेबल जो आज का था वो करीब 57% के आसपास था। तो काफ़ी लोगों ने स्टॉक को बाय करके स्टॉक घर लेके गए हैं। अब उनके उनके दिमाग में क्या विचार चल रहा होगा, वो घर क्यों लेके गए हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि स्टॉक का प्राइस नीचे है, ठीक है, और कंपनी का बिजनेस आज अगर नहीं चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि यू नो कंपनी इज़ गोइंग टू शट दी ऑपरेशन एंड ऑल दैट। इतने सारे प्लेन्स हैं इनके पास, अच्छा खासा बिजनेस चल भी रहा है, थोड़ा बहुत यू नो उतार चढ़ाव बिजनेस में आता रहता है, लेकिन ये लोग 57% से भी ज़्यादा लोग आज डिलीवरी घर पे लेके गए हैं। यू नो जब उनको अपना उनका जब उनका टारगेट मीट होगा, जो भी उनका 12-15-20-25% उन्होंने रखा हुआ है, जब ये 125 रुपये के आसपास स्टॉक आएगा वापस, तो शायद वो प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। 52 वीक हाई जो स्टॉक ने लगाया है वो है 156.25, 156.25। 52 वीक लो कंपनी का है 91.50, जो कि आज ही स्टॉक ने बनाया है, ठीक है, और आज ₹92 पे क्लोज हुआ है स्टॉक। लाइफ टाइम हाई कंपनी का 156.25 है और लाइफ टाइम लो ₹1 था, ये किसी समय में ₹1 पे ट्रेड करता था। सिक्योरिटी जो VAR है, वैल्यू एट रिस्क, वो 9.41% है, विच इज़ नॉट वेरी बैड। देखिए 7% से नीचे के VAR होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, उनमें रिस्क कम होता है, लेकिन ये भी 9.41 है तो नॉट वेरी बैड, ठीक है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप स्टडी करके, आप कंपनी के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करके, क्या हो रहा है, कितना बिजनेस, और कोई यू नो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कंपनी में, मैनेजमेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें स्टॉक में निवेश कर सकते हैं सोच समझ कर, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज जो SMA है वो मैं आपको बताता हूँ। 30 डेज़ का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो है ₹107.45, 50 डेज़ का है ₹110.20,
150 डेज का है 123 रुपये 34 पैसे, 123.34। 200 डेज का जो DMA, माफ़ कीजिए, सिंपल मूविंग एवरेज है, वो है 128.68, 128 रुपये 68 पैसे। फिनेंशियल नंबर्स देखते हैं, फिनेंशियल फिगर पे नज़र डालते हैं। लास्ट 5 ईयर का जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मार्च 2014 में कंपनी ने 6,398 करोड़ का रेवेन्यू डिक्लेयर किया था, ठीक है। 15 में रेवेन्यू उनका 5,381 करोड़, 16 में रेवेन्यू था 5,219 करोड़, 17 में रेवेन्यू थोड़ा ऊपर आया 6,303 करोड़ के आसपास था, और मार्च 2018 में कंपनी ने जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू है वो 7,932 करोड़, 7,932 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने डिक्लेयर किया है। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू पिछले 2-3 साल में ऊपर आया है, ठीक है। लास्ट 5 ईयर का जो स्टैंड अलोन जो प्रॉफिट लॉस है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मार्च 14 में कंपनी ने 1,003 करोड़ का लॉस डिक्लेयर किया था। मार्च 15 में कंपनी ने लॉस को थोड़ा नैरो किया, 687 करोड़ का लॉस डिक्लेयर किया। 16 में लॉस को इन्होंने प्रॉफिट में कन्वर्ट किया एंड 449 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया, 449, ठीक है। 17 में प्रॉफिट उसके आसपास ही रहा, 430 करोड़, 430 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी के पास। और मार्च 2018 में कंपनी ने 566 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, 566, ठीक है। कंपनी का रेवेन्यू ठीक हो रहा है, कंपनी के पास, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि एक्चुअली डिमांड बढ़ रही है इंडिया में, बहुत से लोग अभी क्या है कि फ्लाइट्स का यूज़ करने लग गए हैं। पहले जो ट्रेन्स में जाते थे, यू नो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी की बात करते, आजकल सिंपली वो फ्लाइट में चले जाते हैं, ठीक है, अगर कोई मेडिकल इश्यूज वगैरह नहीं है तो, ओके। तो देखिए, एयरलाइंस हमारे पास लिमिटेड ही हैं, 3-4 खास एयरलाइंस चलती हैं जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं, तो इनका फ्यूचर आप मेरी नज़र में, अगर मैं जो सोचता हूँ, अच्छा है। जब आपको मौका मिले आप चौका मारिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी ये मौका है जो अभी कंपनी दे रही है, लेकिन आप एक ही दम सारा पैसा लगा देंगे तो हो सकता है कंपनी इससे और अच्छा मौका दे आपको, हो सकता है ये 92 से और नीचे गिर जाए 10-20 रुपए, ठीक है। इसलिए ब्रेक्स में लेना स्टार्ट कीजिए, लेकिन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और अगर आपने 120 110 के आसपास ले रखे हैं, डोंट वरी, उसको एवरेज आउट कीजिए, ठीक है। कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे, और आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एक टारगेट बना के रखिए कि इतना प्रॉफिट आएगा तो आप निकल जाएंगे, ठीक है। ग्रीडी मत बनिए, अगर लालच में आएंगे तो आप ग्रीन देखेंगे और फिर वापस रेड में आ जाएंगे, ठीक है। जब आपका टारगेट हिट होता है आप उसमें प्रॉफिट निकाल के, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज, आप उसमें अपना पैसा लगाइए, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूँ। म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स लगभग 60 ऐसे हैं जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। प्रमोटर्स ने 60.03% स्टॉक होल्ड किए हुए हैं। पब्लिक ने 39.97% स्पाइसजेट के होल्ड किए हुए हैं। बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंड अलोन की बात करता हूं। नेटवर्थ कंपनी की है -609 करोड़ माइनस। टोटल डेप्ट कंपनी के पास है 1,028 करोड़, 1,028 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्ज है। इन्वेस्टमेंट स्पाइसजेट ने 140 करोड़ की हुई है। टोटल एसेट जो कंपनी के पास है वो है 419 करोड़। अब अगर हम फिलहाल देखें तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो इनकी एसेट से डबल है, डबल से भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये लोग लोन लेके काम चलाते हैं, ठीक है। अगर लोन लाइक 50 times ज़्यादा है, यू नो, देन वी नीड टू वरी अबाउट इट। 1,000 करोड़ इज़ नॉट अ बिग डेप्ट फॉर दीज काइंड ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो ये उससे उभर कर वापस ऊपर आएंगी। देखिए, ये मेरी निजी राय है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप अगर अपना पैसा लगाएं तो प्लीज़ सोच समझ के लगाइए, और अगर आपका फाइनेंशियल प्लानर हैं तो आप उनसे डिस्कस करके लगाइए। मैं आपको मेरी ओपिनियन दे रहा हूँ, जो मैंने इसको
इसको रीड आउट किया है, जो स्टडी मैंने इसके ऊपर की है स्पाइस जेट के बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जस्ट द बेसिक नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी मेरी पर्सनल नॉलेज है। तो आप मेरे कहने पे बिल्कुल ब्लाइंडली कल सुबह उठते ही मार्केट जैसे ओपन हुआ पैसा लगाएंगे, तो देखिए फिर आपको नुकसान अगर हुआ तो मुझे दुख तो होगा ही होगा, और आप मुझे गालियाँ भी देंगे, राइट, आप मुझे कोसेंगे भी, वेल राइडर ने हमें बोला और हमने स्पाइस जेट में पैसे लगा दिए और अभी कंपनी नीचे चली जा रही है। प्लीज़ सोच समझ के पैसा लगाइए, लेकिन आप एक बात सोचिए कि लोगों को हवाई सफ़र तो करना ही करना है, ठीक है, और अच्छी कंपनीज कौन सी है अभी भारत में आप देख लीजिए, जेट एयरवेज में, जेट एयरवेज है, स्पाइस जेट है, इंडिगो है, गो एयर है और एयर इंडिया है, ठीक है, इन्होंने इनका बिजनेस चलना ही चलना है। आज अगर बुरा टाइम है तो कल अच्छा टाइम आएगा ना, ठीक है, तब आप पैसा निकाल लेना, लेकिन अभी फ़ायदा तो उठाओ आप, ठीक है, ये मेरी मेरी निजी राय है, ठीक है। इनके जो कंपटीटर्स हैं, नंबर वन पे जो मार्केट कैप के अगर अकॉर्डिंगली देखें तो इंटरग्लोब एविएशंस है, इंटरग्लोब एविएशंस, और फिर है कंटेनर्स कॉरपोरेशन, फिर है एजीज लॉजिस्टिक्स, और नंबर फोर पे आता है स्पाइस जेट, नंबर फाइव है जेट एयरवेज का, ठीक है। ये पांच बड़े प्लेयर हैं इंडिया के जो एविएशन सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स में, ये जो इनकी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर के जो मार्केट कैप को होल्ड करते हैं, स्पाइस जेट का आता है नंबर फोर। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि जब इतना कुछ अच्छा है इसमें तो स्टॉक का प्राइस क्यों गिर रहा है, जबकि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन मार्केट ऐसी कंट्री है जो जिसकी एयरलाइन मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, जो डिमांड है एयर टिकट्स की वो हमें राइज हो रही है, बढ़ रही है वो, ठीक है। आप देखेंगे तो आजकल प्लेन्स आपको फुल ही दिखते हैं, कोई भी आप मुंबई से, दिल्ली से, हैदराबाद से, बैंगलोर से, इधर उधर जाने वाली फ्लाइट्स हैं ऑलमोस्ट फुल ही रहती हैं सब, है ना। तो और सीज़न में जब पीक सीज़न होता है तब तो फ्लाइट के रेट भी ज़्यादा हो जाते हैं और हमें टिकट भी नहीं मिलती है, ठीक है, तो इनका बिजनेस तो ग्रो कर रहा है। इंडियन एविएशन ने जैन 2018 से जून 2018 के ड्यूरिंग 68 मिलियन पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट किया है, 68 मिलियन पैसेंजर्स को 6 महीने में एविएशन सेक्टर ने ट्रांसपोर्ट किया है, भारत के एविएशन सेक्टर ने ओनली, ठीक है, आप देखिए, और ये नंबर ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली ये नंबर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा डिमांड आएगी, ठीक है, एयरलाइंस के लिए भी अच्छे दिन आएंगे, वो भी प्राइस को बाद में ऊपर लेके जाएंगे जब उनके पास मौका होगा, और वो अच्छे खासे प्रॉफिट में आएंगे, कंपनीज भी प्रॉफिट में आएंगी, स्टॉक्स भी ऊपर आएंगे, ठीक है, जब मौका मिलता है तो स्टॉक ले लेना चाहिए। नंबर बढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, भारत के लोग फ्लाइट्स का यूज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा करने लगे हैं, अब तो जो नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी फ्लाइट बुक करके जाते हैं, दिल्ली से बॉम्बे जाना है, बॉम्बे से हैदराबाद जाना है, कहीं भी जाना है, जो स्मॉल मेट्रो सिटीज़ है, जयपुर है, अहमदाबाद है, आप कोई भी ले लीजिए, चंडीगढ़ है, अमृतसर है, सब फ्लाइट में जाने लगे हैं आजकल, स्टूडेंट्स भी देखिए आप, तो फ्लाइट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है। फिर क्यों एयरलाइन का स्टॉक नीचे जा रहे हैं, फिर बढ़ने चाहिए ना स्टॉक। जो मुझे लग रहा है कि कुछ जो पर्टिकुलर थोड़े बहुत जो कारण हैं जो जिसकी वजह से इनके ऊपर लोड आ रहा है और इनका जो मुनाफा कम हो रहा है और इनके स्टॉक का प्राइस भी ऊपर नहीं जा रहा है, कुछ मेन रीजंस हैं जो मुझे मैंने कुछ कैप्चर किए हैं और आपके साथ भी शेयर करता हूँ। जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो आप देखेंगे तो फिलहाल $70 पर बैरल के आसपास चल रहा है, ठीक है, ये $50 के आसपास था, फिर 55, 60, 65, 70, तो जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो ATF का प्राइस भी बढ़ता है, जो एविएशन टर्बाइन टर्बाइन फ्यूल है जो कि फ्लाइट्स में यूज़ होता है, उसका प्राइस भी बढ़ता है, और इट्स लाइक ऑल ऑफ सडन, ठीक है। तो एयरलाइंस को क्या होता है कि अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ा है तो उनका खर्चा ज़्यादा हो गया, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, लेकिन इतने फ्रीक्वेंटली वो प्राइस को नहीं बढ़ा सकते, टिकट के कॉस्ट को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। और इनको इतना अच्छा सॉलिड कंपटीशन भी दूसरी दूसरी जो एयरलाइंस हैं वो देती हैं, ठीक है, अगर कोई एविएशन सेक्टर की कंपनी है जो कुछ गलत अगर प्राइस बढ़ा रही है तो दूसरी एविएशन सेक्टर की कंपनीज हैं वो कुछ स्कीम लेके आ जाते हैं या उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, और फिर जिस जिस कंपनी ने प्राइस बढ़ाया उसको फिर वापस नीचे आना पड़ता है,
ठीक है, उस कंपटीशन को बीट करने के लिए या मीट करने के लिए। ठीक है, तो इस समय इंडिया में आप देखेंगे तो एयर इंडिया है, स्पाइसजेट है, जेट एयर, इंडिगो, गो एयर, एयर एशिया, विस्तारा भी है और मैनी मोर इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी हैं जो कि अपने जो मेट्रोज या कैपिटल या फिर जो बड़ी बड़ी सिटीज से उठती हैं तो उनके ऊपर भी पैसेंजर्स अपना अपनी टिकट लेते हैं, वो भी ऑप्शन है पैसेंजर्स के पास। तो एक अच्छा खासा कंपटीशन भी एयरलाइन सेक्टर को मिल रहा है। ठीक है, नॉट एबल टू रेज फंड, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एयरलाइंस के लिए किराया बढ़ाना स्पेशली इन इंडिया इट्स नॉट इजी। उसका रीज़न ये है कि अभी मार्च में ही पार्लियामेंट्री पैनल ने कैपिंग एयर फेयर, इट्स इट्स लाइक एक टर्म उन्होंने बनाई है जो कि प्राइस मॉडल प्रपोज किया है, ये कहते हुए कि भारत की एयरलाइंस किसी डेवलप्ड नेशन की एयरलाइंस की तरह रेट बढ़ा नहीं सकती। ठीक है, बार बार नहीं बढ़ा सकती, जब उनका मन में आए तब वो रेट को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, कैपिंग हो गया, तो हमारी कंपनीज के पास कॉस्ट कट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। वो क्या करते हैं, जब कॉस्ट कटिंग किसी भी कंपनी में जब कॉस्ट कटिंग कटिंग होती है, एक तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे फ़र्क पड़ता है, उनकी सैलरी कट होती है, फिर जो एयरलाइन हमें सर्विस प्रोवाइड करवाती है ठीक है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, तो क्वालिटी का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता है। ठीक है, क्वालिटी नीचे आती है तो पैसेंजर्स फिर क्या करते हैं कि उस एयरलाइन से या तो रास्ता मोड़ लेते हैं या फिर कंप्लेंट्स देते हैं या उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो नीचे गिरता है, वो नीचे गिरता है, स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये अब अगर आप देखेंगे रिसेंटली जेट एयरवेज में एक न्यूज़ ब्रेकआउट की थी कि उनको भी पायलट्स और जो फ्लाइट स्टीवर्स है, एयर होस्टेस वगैरह है, उनकी सैलरी कट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जब ये ऐसी न्यूज़ ब्रेकआउट होती है तो कंपनी की इंसल्ट होती है और फिर स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है। आप देखें उस पिछले 2-3 दिनों में जेट एयरवेज का प्राइस भी या स्टॉक का प्राइस भी नीचे आया है। ठीक है, तो ये कुछ मेन मेन रीज़न है मैंने आपके लिए अब मैं आपको कुछ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अगर आप घबराए हुए हैं, स्पाइस जेट में आपने पैसा लगा रखा है, आप लॉस में हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी फ़िलहाल आप या तो एवरेज आउट कीजिए स्पाइस जेट को। देखिए, इसने अभी लो 52 वीक का जो लो है वो ब्रेक कर दिया है, तो अभी यहाँ से इसमें और एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है, और करेक्शन आ सकता है, लेकिन आप धीरे 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 अगर आप अपने ऊपर के रेट पे ले रखे हैं तो आप इसको एवरेज आउट कर सकते हैं। कोई न्यू इन्वेस्टर है इसमें स्टार्ट करना चाहता है, स्टॉक को बाय करना चाहता है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। इफ़ ही वॉन्ट्स टू बाय 1,000 स्टॉक ही शुड बाय 100 टुमारो। ठीक है, एंड देन उसके ऊपर उसको ध्यान देना चाहिए कि स्टॉक कहाँ जा रहा है। जैसे जैसे नीचे जाए वैसे वैसे 50 100 50 100 लेता रहे। अगर आपको 10,000 स्टॉक लेने हैं तो आप कल 1,000 स्टॉक ले लीजिए, 1,000। अगर मैं हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, अगर मैं आऊँगा तो मैं ऐसा करूँगा, कल 1,000 स्टॉक ले लूँगा, फिर उसको आप ध्यान से देखिए, 1-1 रुपये, 2-2 रुपये, 3 रुपये नीचे गिरता है, फिर आप 500, 1,000, 500, 1,000 ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से हो सकता है कि स्टॉक 10-15 रुपये और टूट जाए क्योंकि 52 वीक का ब्रो का इन्होंने जो लो है वो ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और अगर छोटी सी भी अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ब्रेकआउट हुई तो ये वापस 100 के पास टच करेगा। ठीक है, लेकिन कंपनी डूबने वाली नहीं है, आपका पैसा डूबेगा नहीं, जब तक आप लॉस बुक नहीं करते हो वो लॉस नहीं है, और वही पैसा स्टॉक मार्केट में लगाइए जो आप होल्ड कर सकें। अपने घर के खर्चे का पैसा है, आपको राशन लेके आना है, वो पैसा मत लगाइए, क्योंकि आप पैसा लगाओगे कल स्टॉक नीचे गिरेगा, अब आपको क्या है कि राशन तो स्टॉक से ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको वो लॉस में बेच के और राशन लाना पड़ेगा। जो स्पेयर मनी है स्टॉक मार्केट में उसी को लगाइए, अगर नीचे जा रहा है या तो आप होल्ड करके बैठ जाइए, और अगर आपके पास और स्पेयर पैसा इकट्ठा हो रहा है तो आप उसको एवरेज आउट कीजिए। लॉस आपको तब तक नहीं होता है जब तक आप लॉस बुक नहीं करते हो, चाहे कितना ही बड़ा क्रैश हो जाए स्टॉक मार्केट में। एक एग्जांपल देता हूँ, आपने अगर आपने स्पाइस जेट के शेयर 100 रुपये के रेट पे भाव पे लिए थे और स्पाइस जेट का 10,000 आपने शेयर लिए थे, स्पाइस जेट का प्राइस चला जाता है, स्टॉक का प्राइस 60 रुपीज़ तक चला जाता है, आप लॉस में हैं, स्क्रीन के ऊपर हैं। अगर आप उस पैसे के बिना
अपना घर चला सकते हैं, अपने दूसरे जो आपके जरूरी काम है वो कर सकते हैं, तो आप उसको होल्ड करके रखिए। आपके पास और लगाने के लिए पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम, उसको एवरेज आउट भी मत कीजिए, आप 100 पे रहने दीजिए, ठीक है। लेकिन कंपनी को देखते रहिए, यू नो, कुछ स्कैम नहीं आना चाहिए, कंपनी के ऊपर नज़र रखिए, ठीक है। अगर कंपनी वैसे ही किसी जो नॉर्मल न्यूज़ है या कंपटीशन है या कुछ यू नो पॉलिटिशियन किसी ने कुछ बोल दिया है या पॉलिटिक्स रीज़न की वजह से नीचे जा रही है, तो कंपनी वापस ऊपर तो आएगी ना, तब आप अपना पैसा निकालें ना उसमें से, तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब तक आप लॉस बुक नहीं करते हैं, आप लॉस में नहीं आते हैं, ठीक है। मेरा पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो मेरे पास फ़िलहाल अभी 15 स्टॉक्स ऐसे हैं मेरे पोर्टफोलियो में जो कि 20 से 40% नीचे हैं, ठीक है। अच्छी खासी क्वांटिटी उनकी है, बट मैंने उनको होल्ड किया हुआ है, और जब मुझे लगता है कि उनमें से कोई स्टॉक, आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, ये उसमें से एक क्वालिटी भी है और पीसी ज्वेलर्स भी हैं, ठीक है, और सुज़लोन भी है, ये कुछ मेजर 3 स्टॉक ऐसे हैं जो कि मेरे पोर्टफोलियो में हाई रेड में है। लेकिन अभी आप क्वालिटी को देखेंगे तो क्वालिटी अच्छा खासा जंप पिछले 4-5 दिनों से कर रहा है, यू नो इट्स कमिंग अप। सिंटेक्स भी एक बार रेड हो गया था, माफ़ कीजिए, यू नो, और लेकिन मैंने मेरा पिछले कुछ अगर आप देखोगे तो मैंने एक वीडियो सिंटेक्स पे भी डाला था कि आप घबराइए मत, स्टॉक कंपनी अच्छी है, स्टॉक ऊपर आएगा, और आप देखिए स्टॉक 20-25% ऊपर आ गया पिछले कुछ दिनों में, 43 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, ठीक है। ये वापस 60, 70, 80, 90, 100 टच करेगा स्टॉक, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है, सिंटेक्स अच्छी कंपनी है, आप उसमें ही पैसा लगा सकते हैं, ये मेरी निजी पर्सनल राय है, मैं आपको पुश नहीं कर रहा हूँ, यू नो, आप आपका पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, लेकिन पैसा बनाइए, पैसे से पैसा बनाइए, यू नो, अनटिल यू डोंट टेक रिस्क यू डोंट मेक मनी, एंड मनी विल मेक मनी फॉर यू, ठीक है। प्रॉफिट आता है, अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बड़ा करना है, यू नो, करोड़ तक, यू नो, लाइक इट्स अप टू यू कितना पैसा लगा रहे हैं उसके ऊपर है। अगर आपको लाख तक लेके जाना है, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर लेके जाना है, तो जो प्रॉफिट बनता है, आप अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो उसमें से पैसा निकाल के अपना ज़रूरतमंद जो भी आपकी जो रीज़न है उसमें आप लगा सकते हैं, नहीं तो प्रॉफिट को वापस मार्केट में लगाइए। और एक बात और, क्वालिटी स्टॉक में लगाइए, पैनी स्टॉक, पैनी स्टॉक ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको पैनी स्टॉक अरबपति नहीं बनाएगा, करोड़पति नहीं बनाएगा, लगेगा आप क्वालिटी अच्छे स्टॉक चूज़ करके जिनकी मार्केट कैप कब अच्छी है, कंपनी के पास अच्छी खासी एसेट भी है, डेप्ट भी कम है, उसका VAR भी कम है, यू नो, और उनका बिजनेस का जो मॉडल है वो भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, सोच समझ के वहाँ पैसा लगाइए, आज नहीं तो कल तो उसको ऊपर जाना ही है। ये मैं आपको आज बोल देता हूँ, स्पाइस जेट अभी नीचे जा रहा है, कंपनी अच्छी है, इनका जो प्रोडक्ट है वो डिमांडेबल है, उसकी डिमांड गिरने वाली नहीं है, उसकी डिमांड बढ़ेगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद स्टॉक वापस प्लस में आएगा, 100 से ऊपर आप देखोगे इसको, आराम से देखोगे, ठीक है। उसे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना और फिर किसी दूसरी कंपनी में लगा देना, ठीक है, घबराइए मत। स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमा ही कमा सकते हैं, गंवाने का चांस तो बहुत ही कम है, जितना चाहो आप उतना पैसा कमा सकते हो स्टॉक मार्केट में, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। आप अपने घर में कॉर्नर में एक लैपटॉप लेके बैठ जाओ चुपचाप और आप पैसा कमाते रहो, किसी में दम नहीं है आपको रोक ले, ठीक है। गवाओगे कब, आप खुद ही गवाओगे अपनी गलती की वजह से। पैनी स्टॉक को छोड़िए, उसका फंडा छोड़िए आप, ऐरे गैरे पैनी वैनी ये सब, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में, अच्छी अच्छी कंपनीज में पैसा लगाइए आप। अब आप बोलोगे मेरे को अच्छे स्टॉक मिलेंगे कैसे, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, ये मेहनत तो निफ्टी वालों ने, निफ्टी 50, निफ्टी 100 इन्होंने ऑलरेडी कर दी है, ठीक है। उनके वो निफ्टी 50 में से आप 50 में जाके से आप 20 स्टॉक अपने चूज कर सकते हैं, उन्होंने आपको इतना अच्छा 50 स्टॉक्स का ऑप्शन दिया है, उसमें से आप 20 स्टॉक ले लो कोई भी, सोच समझ के लगाए उन्होंने। हाँ, कुछ कंपनी में, यू नो, आजकल क्या होता है कि ये जैसे गीतांजलि में हुआ है, यू नो, किंगफिशर में, सत्य में हुआ था, वैसे कुछ स्कैम्स वगैरह होने वाले होते हैं या होते हैं, तो वो एक रेयर केस में आपको नुकसान मिलता है किसी कंपनी में अगर आप लगाते हैं। किंगफिशर काफ़ी अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छा उनका बिजनेस भी चल रहा था एयरलाइंस का, लेकिन वो कुछ सब जानते हैं उसकी स्टोरी, उसकी वजह से गिरी। गीतांजलि ने भी देखो एक स्कैम, मैनेजमेंट की वजह से, मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, कौन सी मैनेजमेंट है, कौन रन कर रहा है शो।
स्टॉक मार्केट में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क और थोड़ा सा दिमाग और लॉट ऑफ पेशेंस आपको चाहिए। एक बार आप अच्छा स्टॉक चूज कीजिए और फिर बैठ जाइए आप, फिर आप स्ट्रांग एंड फेथ हैव फेथ। एक बार अच्छी कंपनी में पैसा लगाओ और फिर आप, अब आप अच्छी कंपनी तो आप आपको आराम से, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया ना, निफ्टी 50 में जाके आप 20 कंपनी चूज कर लो वहां से, 10 10। अगर आपको छोटा पोर्टफोलियो रखना है तो 5 या 10 कंपनीज वहां से ले लो, उसमें पैसा लगा दो। पैनी वैनी अगर आपके पास कोई पैनी स्टॉक पड़ा भी है ना, ठीक है, और अगर आपको बाई चांस वो प्रॉफिट में आ भी गया, तो धीरे 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 अपना प्रॉफिट बुक करके जब आपका टारगेट हिट होता है और फिर आप अच्छी कंपनी में स्विच ऑन कीजिए। पोर्टफोलियो को ब्यूटीफुल बनाइए, स्ट्रांग बनाइए पोर्टफोलियो को, कचरा मत रखिए पोर्टफोलियो के अंदर। 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपये, 1.25 रुपये का स्टॉक, कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, ये कंपनियां कब बंद होगी, कब भाग जाएंगे बिजनेस बंद करके, पता नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छे अच्छे स्टॉक में पैसा लगाइए। देखिए परसेंटेज तो उतना ही है ना, अगर आप 5 रुपये का स्टॉक, 2 रुपये का स्टॉक लेके उसमें अगर आप 25% कमाएंगे और आप वहां 200 रुपये का स्टॉक लेके उसमें 25% कमाने, कमाई तो उतनी हो रही है ना आपको, ठीक है, लेकिन आपका रिस्क का जो फैक्टर है, रिस्क भी कम हो रहा है, टेंशन भी आपको कम हो रही है, और आपको ये भी, आप पेशेंस भी उसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये कंपनी चलो बहुत अच्छा काम कर रही है, ये डूबने वाली नहीं है कंपनी, एक्सक्यूज मी, ठीक है, आज नहीं तो कल ऊपर आ जाएगी। ठीक है, देखिए जो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको स्टॉक मार्केट में जब क्राइसिस आता है ना तो उनको बहुत मज़ा आता है, वो बहुत खुश होते हैं, इनफैक्ट वो वेट करते हैं क्राइस का कि कब स्टॉक मार्केट में क्रैश आएगा, कब क्राइसिस आएंगे। अब क्यों ऐसा करते हैं ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये अपने आप सोच लो। 2008 में लोगों ने, कुछ लोग तो बर्बाद हो गए और कुछ लोगों ने अरबों रुपए, करोड़ों रुपए बनाए उस वक्त। कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, तो हमेशा ही मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये भी आप सोच के रखिए। इट्स लाइक अ माउंटेन, ऊपर जा रहा है, पीक पे आके इट हैज टू गो डाउन, क्योंकि इसको नई जो इन्वेस्टमेंट है वो लेनी है, ठीक है, और नए लोगों को भी तो इसको, इसने अपना पैसा अपनी तरफ खींचना है। अब आप मार्केट देखिए, पीक पे चल रहा है, स्टॉक भी काफ़ी ऊपर है, इस वक्त कोई नए नए जो खिलाड़ी हैं वो पैसा नहीं लगा सकते, कुछ गिनी चुनी कंपनीज हैं, यू नो ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड दिस टाइम, आपके पास बहुत ही कम ऑप्शन है। जैसे कभी कभी यू नो मौका मिल जाता है, जैसे अभी स्पाइस जेट और जेट एयरवेज की बैड न्यूज़ की वजह से थोड़ी बहुत इनमें फ्लक्चुएशन हो रही है तो प्राइस नीचे आया, नहीं तो आप देखेंगे कि 100 में से 80 स्टॉक तो ऊपर ही हैं, पीक के आसपास अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप पैसा लगा नहीं सकते। तो जब जब आपका गोल हिट हो, पैसा निकालिए उससे और नई अपॉर्चुनिटी को देखिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी को, और जब मार्केट में क्रैश आएगा ना, दैट विल बी द लवली टाइम, बहुत अच्छा समय होता है वो। देखो लोग डूबते तो हैं लेकिन वो अपनी गलतियों से डूबते हैं, और वॉरेन बफेट तो 1962 या 1964 में जो क्रैश आया था वो तो नहीं डूबे, चार्ली डूब गए जो उनके दोस्त थे, दोनों दोस्त एक ही ऑफिस में बैठ के बातचीत करते थे ना, और वॉरेन ने उनको बोला भी था, बफेट सर ने उनको बोला भी था कि चार्ली जी आप पैसा निकालिए, मार्केट हो सकता है, लग रहा है कि गिरेगा मार्केट, नहीं ही वॉज ग्रेडी दैट टाइम। वॉरेन बफेट ने पैसा निकाल लिया अपना प्रॉफिट बना के, 2 3 साल तक वो उस पैसे को होल्ड करके रखा वॉरेन बफेट ने। जैसा अभी हम क्राइसिस के बारे में बोल रहे हैं ना, 2017 में भी लोग बोल रहे थे स्टॉक मार्केट में क्रैश आने वाला है, नहीं आया, नो प्रॉब्लम। 2018 में भी लोग बोल रहे थे और बोल रहे हैं कि क्रैश आने वाला है, अभी तक नहीं आया, नो प्रॉब्लम। 2019 में आएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, 2020 में आएगा, क्रैश तो आना है, और क्रैश आएगा अच्छा खासा आएगा, 50 60% आपको डाउनफॉल मिलेगा हर जगह, दैट टाइम यू कैन पुट लॉट ऑफ मनी। और फिर क्रैश ऐसा भी नहीं होगा कि सब सब जो ग्लोबल मार्केट है सब बंद करके घर चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम, क्रैश रहेगा वहाँ पे 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 12 महीने, 15 महीने क्रैश रहेगा, उसके बाद फिर ऊपर पीक बनाने की कोशिश होगी, उस वक्त फिर पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप हर वक्त पैसा कमा सकते हैं, इट इज वेरी 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 इजी टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट,
ऐसा कोई दूसरा काम ही नहीं है जहाँ इतना आसानी से पैसा कमा सकते हैं। आप होटल रेस्टोरेंट खोलो, ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलो, आप कपड़े का काम कर लो, आप कुछ भी कर लो, इतना हार्ड वर्क, इतना उसके अंदर रिस्क है, कंपटीशन है, आपको आपको कोई लंच का पता नहीं है, डिनर का पता नहीं है, टाइम सारा दिन आप सुबह जाओ रात को आओ घर पे। स्टॉक मार्केट में आराम से किंग की तरह काम करो, एंड द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन मेक यू कैन नेवर इमेजिन, नेवर इमेजिन।